वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देशों विदेशों के जिथे जिथे मेरे गुरु नानक नाम लेवा मेरे सिंह वीर इंसानियत को प्यार करने वाले जिथे जिथे मेरे वीर बैठे हैं सारियां नूं बहुत प्यार सत्कार सहित फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप जी नूं पता है कि पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमेशा ही असूलों के उत्ते कायम रहने की ठानी हुई है, अपने असूलों के सौदाबाजी ना करने की कसम चुकी हुई है। ऐसी तरह के नानक शाही का मुद्दा जो आया तो बहुत सारे लोग सानू छड़ गए, पर पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने उस मुद्दे के उत्ते कायम रहे और गुरु नानक पातशाह के बख्शे सदका एक दिन इस तरह आया कि जी बहुत सारे लोग जिन्होंने समझ आई कि नानक शाही सिखां दा असल कैलेंडर है और लोगों को यह भी समझ आ गई कि RSS अते होर मुख्तलिफ तंजीमां ने अपना बिक्रमी लागू करन वास्ते नानक शाही को खत्म करने का प्लैन किया। सो यह गल उस दिन मंजरे आम से आई कि जदों अकाल तख्त के कायम मुकाम गुरबचन सिंह जी ने जिहड़े के अकाल तख्त के प्रधान हैं अकाल तख्त के सिंह साहब हैं उन्हें फैसला किया राम रहीम को माफ़ करन दा, उस मुखी को माफ़ किया कि जिहड़े ने अकाल तख्त की हिबियत भी की, उस मुखी को माफ़ किया कि जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह के शान च गुस्ताखी की। अकाल तख्त के हुक्म के मुताबिक तो यह होना चाहिए सी कि अकाल तख्त का जथेदार के जोड़े पोस्ट के उत्ते विराजमान से उन्होंने एक आर्डर यह देना चाहिए सी कि इस बंदे की सज़ा सिर्फ एक होनी चाहिए और सज़ा है मौत। अगर असी इस तरह बंदे वास्ते मौत की सज़ा नहीं दे सकते तो माफ करना साध संगत जी सानू सिख कहलाने का कोई हक नहीं। सो अज जदों यह फैसला होया तो पूरी दुनिया का मौकफ सामने आया तो पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हंगामी इजलास बुलाया जिदे कि साढ़े वक्ो वक् देशों के जोड़े साढ़े एडवाइजर हैं जिंद मनमोहन सिंह खालसा डॉक्टर प्रतपाल सिंह जोगा सिंह और होर मुख्तलिफ साडे एडवाइजर ने उन्होंने भी मशवरा किया गया और जिड़ी जिड़ी सिख संगतावान जथेबंदियां हैं असं सारे नाल मशवरा किया और उनके तो बाद असं एक डिसीजन लिया कि असी इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं और दुनिया के सामने एक सच्चाई आ गई कि वह ही गुरबचन सिंह है जिन्हें नानक शाही कैलेंडर को खत्म करके बिक्रम जी लागू करवाया। पर लोगों के दिलों के फिर भी डाउट सी कि जी अकाल तख्त का फैसला है, अकाल तख्त का फैसला साढ़े वास्ते सिर मत्थे ते अकाल तख्त को नमस्कार है, अकाल तख्त का फैसला साढ़े वास्ते हर पे आखर है, अकाल तख्त का फैसला साढ़े वास्ते सुप्रीम फैसला है। पर साध संगत जी इस वक्त अकाल तख्त जंजीर के बनया हुआ है। कि बनया यह तीन बंद ने कि एक जो थोड़े सामने आ गया जो होर दो ने वह भी तुम्हें पता ही है। सो मैं एक जनरल सकत्र होने के नाते और पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन होने के नाते पूरी सिख जगत को पूरी दुनिया के जिथे जिथे साडे सिख वीर बैठे हैं सारे को हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ कि असी पहले भी कहा है असी अज भी कहने कि सानू इस वक्त एकता की बहुत लोड़ है। सो पाकिस्तान और ननकाणा साहब खासकर ननकाणा साहब गुरु नानक साहब की धरती के उत्ते मैं अपने सारे सिंह वीरों जो दुनिया के जिथे भी बैठे हैं उन्होंने बेनती करता हाँ कि साढ़े दरवाजे हमेशा थोड़े वास्ते खुले हैं, तुसी जदों भी आओ इत्थे आजादाना तरीके नाल पंथक फैसले कर सकते हो। सो सानू इकट्ठा होना पैना और मैं बेनती करता सारी कौम नूं कि अज तो बाद तुसी इस गुरबचन सिंह नूं सिंह साहब गुरबचन सिंह कह के या जथेदार गुरबचन सिंह कह के ना बुलाओ, क्योंकि अकाल तख्त का
ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਿੱਛੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੇਰਾਵਾਦ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮੌਤ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।